कॉलेज में ही थे ना बेटा? सुन लिया आपने? ठीक है, गलतफहमी किसको है ये अभी पता चल जाएगा। इसी लड़के ने मेरे सर पे बियर की बॉटल फोड़ी थी। लगता है तेरा अतीत अब मीठी का वर्तमान हो रहा है। जो कुछ तूने दोस्ती में सहा, डरती हूं कहीं मुक्ता और मीठी को ना सहना पड़े। कॉफी? बैठिए। आपके घर से फोन था? जी। सब ठीक है घर पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपका घर यही आसपास में है सतारा में? नहीं। तो फिर आप कहाँ रहती हैं? मेरा मतलब है कि आपके पति, आपका परिवार, आपके पति अब सबसे दूर रहते हैं। I'm sorry, मुझे नहीं पूछना चाहिए था शायद। वो मेरे पास ही बहुत पास। आपके दिल में? बच्चे? के बच्चे? जी एक बेटी है। बेटी? आप कितनी लकी है टीचर जी, आप नहीं जानती। आपसे एक बात कहूं, जब भी मैं किसी कपल को की बेटी के साथ देखता हूं ना, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में एक अजीब सी कमी है। उसका नाम क्या है? जी मीठी। बहुत ही प्यारा नाम है मीठी, मीठी। मेरे पति ने यह नाम रखा था। उसके जन्म से पहले। आपको पता है, अगर मेरी बेटी होती तो शायद मैं भी उसका यही नाम रखता, मीठी, मीठी। हम तब से मीठी के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी कुछ बताइए आपके बारे में, आपके बेटे के बारे में। जी मेरा एक बेटा है युवराज। प्यार से लोग उसे युवी कहते हैं। लंबा ऊंचा हट्टा कट्टा और दिखने में कैसा है? बिल्कुल आपकी तरह ही होगा।
है ना? एक मिनट, देखना चाहेंगे? ये है मेरा यूवी। लेकिन ये तो बचपन की तस्वीर है। 6 साल का था, स्कूल में पहली बार कप जीत कर आया था। पहली और आखिरी बार कुछ ऐसा काम किया जिसमें मुझे गर्व हो। उसके बाद आज तक ऐसा कुछ काम किया ही नहीं उसने। जो कुछ किया मेरी गर्दन शर्म से झुकती गई। बस उसी पल की याद लेकर आज तक घूम रहा हूं। लेकिन अब कॉलेज में दिमाग बहुत तेज है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, गलत कामों में इस्तेमाल करता है। मौज मस्ती शरारतों में जहां दिमाग लगाना होता है वहां लगाता नहीं। वो क्या है ना कि दरअसल अपनी दादी का बिगड़ा हुआ बच्चा है। उसकी दादी ने अपने लाड प्यार से उसे बिगाड़ दिया है। किसी की नहीं सुनता। मैं थोड़ा बहुत डांटता हूं तब मेरी सुन लेता है, लेकिन आप तो जानती हैं आजकल के बच्चे कहां किसी की सुनते हैं। अपनी मन मौजी जो मन में आए बस वही करते हैं। लेकिन एक दिन मेरा यूवी मेरा नाम जरूर रोशन करेगा टीचर जी, मुझे पूरा यकीन है एक दिन जरूर करेगा। युवराज सिंह बुंदेला के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने अपने ही कॉलेज के छात्र के सर पर कांच की बॉटल फोड़ी। आइए देखते हैं। बीच सड़क पर अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट के सर पर बियर की बोतल फोड़ डाली इसने। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस कॉलेज की स्टूडेंट है उस कॉलेज के पिताजी के ट्रस्टी है। आइए देखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट युवराज सिंह मुंडेला ने अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट का सर फोड़ दिया। बाहर खड़े जहाँ पर युवराज सिंह बुंदेला के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने अपने ही कॉलेज के छात्र के सर पर कांच की बॉटल फोड़ी। आइए देखते हैं। बीच सड़क पर अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट के सर पर बियर की बॉटल फोड़ डाली इसने। और गौर करने वाली बात ये है कि जिस कॉलेज के स्टूडेंट है उस कॉलेज के ट्रस्टी इसके पिता है। कॉलेज के स्टूडेंट युवराज सिंह बुंदेला ने अपने ही कॉलेज के एक छात्र का सर फोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आइए मिलवाते हैं छात्र से जो इस हादसे का शिकार हुआ। इसका नाम है अमन। क्या लगता है? बताइए, आप ऐसे मीडिया से भाग नहीं सकते। आप प्लीज बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जरा सा भी अफसोस नहीं है इसके चेहरे पे। गौर से देखिए आप इस लड़के को, किस तरह से अपने पिता वीर सिंह बुंदेला का नाम रोशन किया है। अरे ऐसे इंसान को तो थाने में बंद कर देना चाहिए और इसकी हड्डी पसली तोड़ानी नहीं चाहिए, तभी अक्कल ठिकाने आई है इसकी। अरे थाने में बैठ के दारू पिएगा ये। हाँ? इसका बाप है करोड़पति, 2 घंटे में छुड़ा के ले जाएगा इसे। और तुम सही बोल रहे हो, इसका बाप अभी केस रफा दफा करा देगा। ऐसी कपूत औलाद से औलाद ना ही हो तो ही अच्छा है। इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी इस लड़के की वजह से, कभी नहीं सोचा था। नाम रोशन कर रहे हैं युवराज सिंह बुंदेला। अन्नी आप ना बेकार में चिंता करती हो, मैं क्यों इतनी रात को किसी के घर में जाऊंगी? मैंने तो मुक्कू को बाहर ड्रॉप करके ही आ गई। अच्छा किया, ले अब खाना खा ले। और अब आप भी खा लीजिए।
नहीं, मुझे भूख नहीं है। बीच सड़क पर अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट के सर पर बियर की बोतल फोड़ डाली इसने। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस कॉलेज की ये स्टूडेंट है उस कॉलेज के पिताजी इनके ट्रस्टी हैं। तुम्हारी कॉलेज के बारे में न्यूज में कुछ आ रहा है? मेरे अन्नी मैं अभी आई। अरे मीठी खाना क्या हुआ बेटा? मीठी चलो बेटा खाना खा लो, लो चल। गौर से देखिए आप इस लड़के को किस तरह से अपने पिता वीर सिंह बुंदेला का नाम रोशन किया है। वीर सिंह बुंदेला का बेटा युवराज, ये तो हमारा युवराज। मीठी तू ऐसे कैसे जानती है? हाँ भैया इसे कौन नहीं जानता है, एक नंबर का आवारा है ये लड़का। आपने ऐसा भाई मिलवाते हैं छात्र से जो इस हादसे का शिकार हुआ, इसका नाम है अमन। यूपी ने अमन को क्यों मारा? मीठी तू रो क्यों रही है? कौन है अमन? अमन अमन मेरा सीनियर है, मेरा दोस्त है। भगवान ना करे इसकी ये खबर देख रही हो, कैसे सह पाएगी वो? देख वीर बेटा मेरी। नहीं बाबा, पिछली बार भी मैंने उसे पुलिस से बचाया, गलत किया। दो चार दिन हवालात में रहता होश ठिकाने आ जाते उसके। नहीं बाबा इस बार आप उसे नहीं बचाएंगे, हर किस नहीं। यूवी क्या किया तूने? लल्ला सुन मेरी बात। हमें दीजिए लल्ला, हमारी बात सुन। नहीं माई इस बारी कुछ नहीं, वो तेरा बेटा है। तो इसी बात का तो मुझे अफसोस है, दुख है मुझे। माई तुझे इतना समझाया था, उसे लाड प्यार मत कर मत बिगाड़, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करके घर आया वो, तेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, और तू भी फिर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों उसकी उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रही है तू? ठीक है हम मान लेते सारी गलती हमारी है, पर उसकी सजा उस बच्चे को तो मत दे। देख माई तू तू रोकर मुझे मजबूर मत कर, मैं घर आ रहा हूं। लल्ला लल्ला फोन रख दिया। टीचर जी आप मुझे इजाजत दीजिए, अब घर जाना होगा। आप देख ही चुकी हैं किस तरह मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया, धज्जियां उड़ा दी मेरी इज्जत की। सॉरी। अब शांत हो जाइए, अब जो कुछ भी कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। सजा उसी को दी जाती है जिसे जिसे अपनी गलती का एहसास होता है। बस वही तो उसे नहीं है उसकी गलती का एहसास, इसलिए मुझे जाना ही होगा इससे पहले कि मेरी फैमिली कोई गलत कदम उठाए। लेकिन युवराज इतना बिगड़ कैसे गया? वीर क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? आई मीन मुझे भी मुंबई में थोड़ा काम है इसीलिए। हाँ आइए ना चलिए। थैंक्स। हेलो जी हम बोल रहे हैं। हाँ बोलो जी। वो कहा है ना कि वो बिलवा नहीं मिली। बिलवा? अरे मतलब बिलवा, एक वो जो कमबख्त हवलदार है ना, हाँ उसने मना कर दिया बिलवा देने से।
तुम्हारा मतलब है बेल, जमानत? हाँ हाँ वही बेल बेल। फिकर मत करो, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा तो ना जल्दी आइएगा, अब बहुत याद आ रही थी आपकी। मन करता है उसकी बेल हो ही ना, तब जाके उसे सबक मिलेगा। मैं यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा हो सकता है। टीचर जी सच कहूं, ये सब माई की गलती है। माई ने उसे बिगाड़ के रखा है। जब उसे पैसे चाहिए पैसे देती, अब वो आवारगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उसकी हर गलती मुझसे छुपाती रहती, और उसकी मां घर पे होती ना ऐसा नहीं निकलता। मेरी पत्नी इच्छा अगर होती तो मेरा बेटा कुछ और ही होता। हाफी, अगर मैं होती तो अपने बेटे को यूं गुमराह होने ही नहीं देती। ये क्या तमाशा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। झगड़ा उस अमन ने बीच रास्ते में शुरू किया, मुझे उकसाया, लेकिन जब चोट लग गई तो पुलिस को ले आया। उसको तो अंदर नहीं किया, मुझे अंदर किया। क्यों? ओ इसलिए ना, क्योंकि मैं रहीस बाप की औलाद हूं, पैसे मिलेंगे मुझे छुड़ाने के लिए। अरे बाप दादा का तो ख्याल कर लड़के, तेरे जगह कोई और होता तो पहले मार पड़ती फिर पूछताछ होती। तूने और बदतमीजी की ना, मैं तेरी जमानत भी नहीं करवाऊंगा। आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। देखिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ ना, जहाँ जाना है आपको। नहीं नहीं आप तकलीफ मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक्स। बोलो तो। बाप, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी। वो अमन गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया, झगड़ा करने लग गया। पाप, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, पर ट्रस्ट मी, मैंने झगड़ा नहीं किया। गलती अमन की थी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर डाल दिया। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। दिया था तुझे मैंने, चेतावनी भी दी थी तुझे कि सुधर जा, लेकिन तू नहीं सुधरा। मुजरिम बनकर ही दम लेगा तू। क्या नाम रोशन किया है तूने आज युवराज? युवराज सिंह बुंदेला।
फेक एक न्यूज चैनल में आज तेरा ही नाम है। युवराज वीर सिंह बुंदेला। क्या कमी रह गई थी? तुझे जो चाहिए था तुझे आज तक मिला, फिर बता क्या कमी रह गई थी कि तूने इस तरह सबके सामने आज हमें मजबूर किया? क्या कमी रह गई थी? यही परवरिश दी थी तुझे कि शराब पीकर आवारागर्दी करके किसी बेचारे का सर फोड़ दे तू? अरे बता कमी क्या रह गई थी? क्या कमी रह गई थी बोल। इतना मत डांटिए भी, सब ठीक हो जाएगा। यू भी चुप है, आपको जवाब नहीं दे रहा है। क्या दिया है मुझे आप ही बताइए, क्या दिया है मुझे? बचपन से लेके आज तक कोई ऐसी याद दी है कि मुझे फक्र हो सके कि आप है मेरे पिता वीर सिंह बुंदेला? परवरिश की बात करते हैं, मेरा बचपन याद भी है आपको? ऐसा मत बोलियो, वो तेरे पापा है। नहीं, लेकिन मुझे याद है, मुझे याद है जो आपने मुझे दी, एक ऐसी मां की याद जो बचपन में मुझे पैदा करके किसी और के साथ चली गई। ये मेरे बच्चों को क्या हो गया है? ये मेरा यूवी है, मेरा यूवी ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे? आपको पता भी है कि मैं बड़ा कैसे हूं? क्योंकि आप तो अपने में ही उलझे हुए थे, अपने में ही खोए हो। क्या आपने कभी मुझे गले लगाया? कभी कोई कहानी सुनाई? या कभी कुछ ऐसा किया कि जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आए? नहीं। हां, आवारा हूं मैं, हूं मैं आवारा, क्योंकि मुझे अपने अंदर से, आपसे, आपके नाम से, बुंदेला से नफरत है। पूछते हैं क्या किया मेरे लिए, क्या दिया मुझे? चंद रुपया? अरे वो तो हर बाप अपने बेटे को देता है। आपसे कभी कहा नहीं, पर आज सच सुनिए, आपने मुझे आपके नाम के अलावा कुछ नहीं दिया, कोई प्यार नहीं, क्योंकि आपके पास प्यार करने के लिए तो वक्त ही नहीं था। मुझे सिर्फ मेरी दादी ने प्यार दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ अपनी दादी की वजह से हूं। इस घर में ना दादा ने, ना आपने, ना दद्दा ने, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरी दादी ने मुझसे प्यार किया है। प्यार? तेरी हर गलती पर वो पर्दा डालती रही, तू उसे प्यार कहता है? तुझे अपने तरीके से जीने दिया, तब जाके आज हम सबको ये दिन देखना पड़ा, तू उसे प्यार कहता है? तेरी अय्याशियों के लिए, तेरी आवारा गर्दी के लिए तेरी जेब में पैसे ठूस ठूस कर भरती रही, तू उसे प्यार कहता है? जब जब तू शराब पीकर घर आया, तब तब वो चोरी छुपे तूने खाना खिलाती रही, तू उसे प्यार कहता है? प्यार नहीं है युवी, वो प्यार नहीं है। हाँ पा, हाँ, मेरी दादी ही मुझे सच्चा प्यार करती है, वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, इसीलिए मुझे माफ करती है। आज भी
मेरी दादी ही मुझे सुलाती है, सुबह मेरी दादी ही मुझे जगाती है, और आज भी अगर वो मुझे यहां छुड़ाने के लिए आती तो पहले मुझे रिहा कराती, उसके बाद मुझसे सवाल पूछती, आपकी तरह सबके सामने थप्पड़ मार के मुझे शर्मिंदा नहीं करती। जिंदगी की 18 साल मैंने गवा दी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पर आज आज यूपी को देख के यूं लग रहा है कि मेरी तपस्या का कोई नतीजा ही नहीं निकला। मुझे इस बात का जवाब चाहिए और मैं जानती हूं कि मुझे यह जवाब कहां मिलेगा। बेल तो आज भी नहीं हो पाएगी। मुझे मेरे पापा का एहसान नहीं चाहिए। यहां पे रहकर सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अपने पापा के एहसान तले अब नहीं दबूंगा। युवी बेटा, नहीं पा, ये प्यार का दिखावा अब और नहीं। यू डोंट वरी, आप जाइए। जमानत नहीं मिली? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप कुछ कीजिए, युवी को लेकर घर आ जाइए। भगवान, आप ही हमारे पोते को बचा लीजिए, आप ही हमारा दर्द समझ सकते। सभी हमें दोष देते, एक बिना मां के बच्चे को हमने किस तरह से बड़ा किया वो हम ही जानते। आप ही रक्षा करिए प्रभु। लो, एक माचिस भी नहीं है। अमला, चंदा, सो गए होंगे, उन्हें क्या फिक्र, होता तो हमारा ही। दूर आने के बाद आज मैं लौट रही हूं। इस घर में सिर्फ अपने बेटे के लिए। कौन?
कहिए, किससे मिलना है आपको? आपसे। हमसे? कौन है आप? एक माँ। माँ? किसकी? और हमसे क्या चाहती हैं? मेरे बेटे की भलाई। हम कुछ समझे नहीं। पहलियों में बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए क्या चाहती हैं आप।